जय हिंद, वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे कि कहाँ पे वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह की अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज है वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की। ये जो वैकेंसी आपको मिलेगी भारत सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। 5 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा जो भी इंडियन सिटीजन है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 30 नवंबर 2024 है और अप्लाई करना शुरू हो चुका है। आगे मैं डिटेल्स आपको डेट भी बताऊंगा। पहली पोस्ट यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। लेवल वन की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 18,000 रुपये स्टार्टिंग बेसिक है, मैक्सिमम है 56,400 रुपये तक। 8 पोस्ट है, रिजर्व के लिए 5 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। 10th पास मात्र एजुकेशन मांगा गया है। आगे मैं एजुकेशन के अलावा जो भी और यहाँ पे बताया जो क्वालिफिकेशन है कुछ एक्स्ट्रा इनके द्वारा मांगा गया है, जैसे कि क्लर्क पोस्ट है उसके लिए टाइप राइटिंग क्या है क्या नहीं है तो आगे बताऊंगा। एमटीएस की पोस्ट के लिए 27 साल मैक्सिमम है। नेक्स्ट पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की है। लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी है 19,900 रुपये से स्टार्टिंग है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 1 ही पोस्ट है। 12th पास आपका एजुकेशन होना चाहिए, 27 साल मैक्सिमम है। टेक्नीशियन टी की पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर 21,700 रुपये से स्टार्टिंग है। 3 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। 10+2 साइंस विद 60% मार्क इन एग्रीगेटेड, आपके एग्रीगेट होनी चाहिए, 30 साल मैक्सिमम। टेक्निकल असिस्टेंट टीए की वैकेंसी है, लेवल 5 की सैलरी यहाँ पे है, 29,200 रुपये से स्टार्टिंग है बेसिक। बाकी इसमें बहुत सारे अलाउंसेज जितने भी मैंने पेमेंट बताए सबके में डीए और जो टीए है अदर अलाउंसेज जो मिलता है एचआरए है वो सब जुड़ता है और भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें। तो यहाँ पे टेक्निकल टीए की 4 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के 1 है, ईडब्ल्यूएस के 2 है, एससी के लिए 1 है। बैचलर डिग्री इन साइंस इन द रिलेवेंट फील्ड आपके पास होना चाहिए, 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम उनके द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को दिया ही जाएगा। उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 10th पास होना चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए। साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और मैनुअल टाइपराइटर में होना चाहिए। साथ में टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे है तो और का मतलब हो गया कि यदि ऊपर वाला होना चाहिए या फिर नीचे वाला होना चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर ये आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। टेक्नीशियन फील्ड लैब की 3 वैकेंसीज है, इसके लिए 10+2 साइंस विद 60% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री साइंस फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपके पास होना चाहिए, एग्रीकल्चर, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री या फिर जियोलॉजी। अभी यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं एज की, तो ये यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 27 साल है, 18 से 27 साल। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी आपने सर्विस की है उसके अलावा डिटेक्शन करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस यहाँ पे कर दूंगी, साथ में 3 साल और यहाँ पर आपको और छूट दी जाती है जनरल के लिए। उसके अलावा डिफेंस पर्सनल डिसेबल हुए ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉरिन कंट्री यानी कि यूएन मिशन के तहत, यदि आप कहीं गए हों या और भी कुछ काम से या कुछ ऑपरेशंस में या फिर कुछ भी कारण से आप फॉरिन कंट्रीज में डिसेबल हैं तो उनको यहाँ पे 8 साल की छूट मिलती है, साथ में 3 साल की और छूट यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 8 साल है और नॉर्मल के लिए 3 साल आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए भी यहाँ पर 27 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को अनरिजर्व को यहाँ पे 3 साल दी जाएगी। बाकी को यहाँ पर जो छूट मैंने ऊपर बताई थी मल्टीटास्किंग स्टाफ में उसी तरह की छूट यहाँ पे मिलने वाली। टेक्नीशियन टी की पोस्ट के लिए भी इसी तरह की छूट यहाँ पे मिलेगी, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल है और टेक्निकल असिस्टेंट उसके लिए भी 30 साल यहाँ पे देखने को मिलेगा।
मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो फीस यहाँ पे रखी गई है पूर्व सैनिकों के लिए है 250 रुपये, बाकियों के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये है। लॉर्ड डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो फीस पूर्व सैनिकों की रखी गई है 500 रुपये रखी गई है। टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे 500 रुपये आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 750 रुपये यहाँ पे है, बाकियों के लिए 1500 रुपये देखने को मिलेगा। फीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इन वैकेंसी अप्लाई करने के लिए है 8 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करें यहाँ पर कोर्स वगैरह, तो कोई इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो अपडेट है ये MES रिक्रूटमेंट 2024 के तहत नोटिफिकेशन आउट फॉर 41822 ग्रुप सी वैकेंसी, यानी कि 41822 वैकेंसी यहाँ पे MES के द्वारा निकाली जाएगी। यहाँ पर इनके द्वारा डिटेल्स भी बताई गई है कि द इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली अलाउंस द MES रिक्रूटमेंट 2024 प्रोवाइडिंग 41822 पोजिशंस अक्रॉस वेरियस रोल्स सच एज मेट, MTS एंड स्टोर कीपर। कैंडिडेट विल सून हैव टू अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई ऑनलाइन बाय द ऑफिशियल वेबसाइट फॉलोइंग देम टू परस्यू दीज वैलेबल ओपनिंग। यहाँ पे इससे संबंधित एक शॉर्ट नोटिस पहले जारी किया जा चुका था मैं इसके द्वारा, हालांकि अभी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 8 नवंबर 2024 को इसके संबंधित आपको, आप कहीं भी इससे संबंधित सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई है टोटल 41822, जिसमें कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की है, मेट की है, स्टोर कीपर, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर। सैलरी जो यहाँ पे दी जाती है 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये, 1,77,500 तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है। अप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे 16 अक्टूबर इनके द्वारा बताया गया है और जो कि 16 नवंबर 2024 तक चलेंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है डिले है और इससे संबंधित जो अपडेट है वहाँ अभी नहीं आया है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा है इन्होंने 16 अक्टूबर 2024, लेकिन ये अभी डिले चल रहा है। 16 नवंबर 2024 इसी लास्ट डेट इनके द्वारा बताई गई थी, लेकिन अभी तक ये डिले में है। 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे है। सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। जॉब ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एज होती है लगभग 18 से 25 साल होती है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जनरल पोजीशंस के लिए कंप्लीट 10th ग्रेड होना चाहिए, स्किल्ड पोजीशन के लिए 12th पास होना चाहिए और स्पेशलाइज रोल के लिए इक्वावेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर शॉर्ट नोटिस जो है जुलाई 2024 में जारी किया गया था और अप्लाई करने की जो लास्ट नेक्स्ट अपडेट MES भर्ती से संबंधित है 41822 वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसमें जो वैकेंसीज आपको मिलेगी जिसमें कि 41822 पोस्ट में से मेट की पोस्ट निकलेगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी कि MTS की, स्टोर कीपर की, ड्राफ्ट्समैन की और सुपरवाइजर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 41822 पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं, मेट की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, स्टोर कीपर की, ड्राफ्ट्समैन की और सुपरवाइजर की। सैलरी यहाँ पर दी जाती है 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये दिया जाता है। अभी यहाँ पर जो एज होती है मैक्सिमम 30 साल होती है। सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। ऑल ओवर इंडिया ये जॉब आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर ये जो शॉर्ट नोटिस था पहले जारी किया गया था, फाइनल अभी कब तक आएगा इसके बारे में उम्मीद है कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 41822 पोस्ट में से जिसमें कि मेट की पोस्ट थी 27,920 रुपये, MTS की थी 11,316 रुपये, स्टोर कीपर की 1,026, ड्राफ्ट्समैन की 944 और उसके अलावा जो है आर्किटेक्ट कैडर की है 44 पोस्ट, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की 122 वैकेंसी, सुपरवाइजर एंड बैरक स्टोर की 534 वैकेंसीज। टोटल यहाँ पे 41822 पोस्टों के बारे में यहाँ पे बताया गया है और
जो सैलरी यहाँ पर दी जाती है ड्राफ्ट्समैन की है 35,400 से लेकर 1,11,240 रुपये, सुपरवाइजर की है 35,400 से 1,11,240 रुपये। तो बेसिकली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी सेम आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट की है 29,200 से 92,300 तक, स्टोर कीपर की 25,500 से 21,600 रुपये, मोटर ड्राइवर जो होते हैं सिविल उनके लिए 19,900 रुपये से 63,200 रुपये, प्यून और चौकीदार की 18,000 से 56,900 रुपये। अभी यहाँ पर टेस्ट कैसा होता है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। हालांकि ये वैकेंसीज आपको अभी कुछ दिनों पहले इसके संबंध में एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, फाइनल जब भी आएगा इसके बारे में हम आपको बड़ी के माध्यम से बता देंगे। ये फेक नहीं है, आप कहीं भी गूगल में सर्च करेंगे इस वैकेंसीज के बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये पाउज है यानी कि रोका हुआ है। अभी कब तक निकलेगी इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही निकलेगी। अभी तक इतना ही, जय हिंद।